ओबीसी सर्टिफिकेट यानी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र अब 3 साल के लिए मान्य रहेगा। पहले ये होता था कि हर 6 महीने बाद आपको ओबीसी प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था कि आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं, लेकिन अब ये 3 साल के लिए मान्य होगा। आपको देखिए इसके अंदर पूरा जो आदेश है ये आपको बताने वाला हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एआरजी गुरु सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें ताकि आपको इसी तरह की अपडेट आपको अपने मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। ये आप देख रहे हैं, ये आदेश है राजस्थान सरकार का जो 8 अगस्त 2019 को जारी किया है, और इसके अंदर यहाँ पे बताया है कि SC ST के जाति प्रमाण पत्र है उनकी वैधता, उनकी वैलिडिटी जीवन पर्यंत होती है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर उसमें जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम नहीं होती है। तो पहले ये होता था कि आपको 6 महीने या फिर 1 साल के लिए ये बनाना पड़ता था कि आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं, लेकिन अब सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसको देखिए या यहाँ से देखिए इसको कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, लेकिन एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्षों तक किया जा सकता है, मतलब 3 साल तक आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सत्यापित शपथ पत्र आपको बनवा लेना है, जब भी आपको जरूरत हो तो आप ये बनाकर अपने पुराने जाति प्रमाण पत्र को आप काम में ले सकते हैं। ये 8 अगस्त का राजस्थान सरकार का आदेश है। तो इस तरीके से आपके जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी अब 3 साल हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।